इस वीडियो में हम लोग जेंगो के इस एरर के बारे में बात करेंगे जो कि है जेंगो डॉट टेम्पलेट डॉट एक्सेप्शन डॉट टेम्पलेट सिंटेक्स एरर कुड नॉट पास द रिमाइंडर। ठीक है, अब ये एरर कैसे डिस्प्ले हो रहा है, हम लोग पोल्स में जैसे ही हम लोगों ने व्हाट्स न्यू पे क्लिक किया तैसे ही हम लोग का जो 5 नंबर इंडेक्स है वो खुल रहा है। खुलने के साथ से हमारे साथ एरर आ रहा है टेम्पलेट सिंटेक्स एरर। ठीक है, जो टेम्पलेट सिंटेक्स एरर आ रहा है वो हम लोग का पोल्स के डिटेल डॉट एस टी एम एल पेज पे आ रहा है सेकेंड लाइन पे, क्योंकि सेकेंड लाइन यहाँ पे रेड कलर में है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पोल्स के डिटेल डॉट एस टी एम एल में आ चुके हैं और सेकेंड लाइन में इसमें एरर है। इसमें कौन सा एरर है, इसमें हमारा सिंटेक्स एरर है। ठीक है, यहाँ पर सिंटेक्स एरर इसमें है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या सिंटेक्स एरर है। यहाँ पे सिंटेक्स एरर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो यहाँ पे परसेंटेज है और इफ है इन दोनों के बीच में गैप नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे इसके ब्रैकेट और परसेंटेज के बीच में गैप है, इसको हटाएंगे। और यहाँ पे जो ये पी है और पी टैग है, जो स्ट्रॉन्ग टैग है, इन दोनों के बीच में गैप है, इसको हम लोग हटाएंगे। यहाँ पे एरर मैसेज के बाद में गैप नहीं है, इसको हम लोगों ने गैप दे दिया, इसको हम लोगों ने सेव किया और वापस से रन करके देखते हैं, वापस से हम लोग पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं क्या एरर गया या नहीं। हम लोगों ने रिफ्रेश किया, एरर चला गया। होप सो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे केवल केवल स्पेस का खेल है। सिंटेक्स एरर आ रहा था स्पेस से। ठीक है, थैंक यू।